कैमरामैन सनी सहगल के साथ एनकाउंटर की स्पेशल रिपोर्ट। आज सुखपाल सिंह खैरा को नशा तस्करी के मामले में हाई कोर्ट से राहत ना मिलने के कारण हल्का बुलद के कांग्रेसी उम्मीदवार रंजीत सिंह राणा ने खोला मोर्चा और कहा कि खैरा अपने पद से दे इस्तीफा। आओ देखें आखिर मामला क्या है। मैं आज जेड़ा मानजोग हाई कोर्ट तो हुक्म आया इन कोई राहत नहीं मिली। मैं सारे जिन्हें नौजवान बच्चों के मापे मापे उन्होंने बधाई देनी चाहना कि सुखपाल सिंह खैरा जिहड़ा सब तो वड्डा वड्डी मच्छी है वह फड़ी गई है उत्ते कार्रवाई होन लगी है। हुण इदा के बंदे जिहड़े ठगे आ जिहड़े चंडीगढ़ च कोठियां लेंदे आ सारे बंदियां ने उन्होंने रिलेशन बनाए हुए आ थ्रू प्रेस भी थ्रू अफसरां दे भी थ्रू कोर्ट भी वह बंदे नूं कानून ने हाथ पा लिया। इदा का बंदे जिहड़े आ इह बड़ी मुश्किल फड़े जांदे आ ये ना कभी किसी का कभी किसी का लिंदा सी जिहड़ा बंदा चोर नू चोर ही फड़ सकता ये तदे ही उन्हों का ना लिंदा सी ये हुण आप निकलाया। इहदियां फोटोआं भी है इहदियां फोटोआं भी है इहदे रिकॉर्ड भी है इहदे कॉल डिटेलां भी है इहदियां कॉल डिटेलां भी है इहदा सारे कुछ प्रूफ बाहर आए है। इहदे च जे किसी लखण के पड्डे तुसीं आम जनता नू जाके पुछो कि गुरदेव सिंह देवी किहदा बंदा किहदे करके बचदे रहा तुहानूं निका जिहा बच्चा भी दस देगा कि सुखपाल सिंह खैरा जिहड़ा समगलर है उन्हां दा सरदार है चिट्टा वेचदा किसी तरीके दे नाल इहनूं पुलिस हथ नहीं पाउंदी डरदी कि उन्हां दे दुआले हो जांदा उन्हां नूं क्यों लगभग करप्शन च सारे भरे हुए आ हर बंदा जिहड़ा उह कोई ट्रैवल एजेंट आ कोई किता इदां दे गलत गलती करदे आ इस करके इस बंदे नूं हथ नहीं कोई पाउंदा। हुण इहनूं कोर्ट ने हथ पाया जदों इहनूं सप्लीमेंट इहदे चलान पेश करन लई आख्या कोर्ट ने इहनूं किसे वी हथ नहीं पाउणा भावें हजे 2 साल होर भी चलदा रहिंदा पर इहदियां गल्लां हुण पता लगणगियां जदों इहनूं इंटरोगेशन करनगे ते पता लगेगा कि कित्थे कित्थे इहदे पैसे आ कित्थे कित्थे पैसे आए आ। पहली गल मैं जदों कहिंदा कोठी इक चंडीगढ़ दी कोठी उहदे बारे दस देवे जिहड़े पुरथी हॉस्पिटल दे लागे 303 नंबर प्लाट है वो तो जज का भी ना आ जो बयाना होया वह भी दसे स्पष्टीकरण देवे उदा तो पता लाउंदा है कि वह काम आ करदा है वह करदा है विरोधियों का सारे नूं पता है पराली साड़न बारे भी इहनूं पता है निकी निकी गल्लां बारे पता पर इहनूं इह नहीं पता कि समैक कौन वेचदा ये किन्ने कित्थों पैसे लैंदा है ये पैसे कित्थों आउंदे आ। इस करके मैं सारी पबलिक नूं जोड़ा मेरी ये गल सुणदा टी वी जां अखबार च पढ़दा मैं उन्हूं ये बेनती करनी चाहुंदा कि इस गल नूं हाईलाइट किया जाए सुखपाल सिंह खैरा बहुत वड्डा ठगिया हर तरीके नाल ठगिया ये भू माफिया कोठियां दे भी कब्जे करदा ये ड्रग भी वेचदा ये सारे उल्ट काम करदा पैसे कमाउण लई ये तो सारे ठगे दे यार है। अच्छा एक जिहड़ा तुसीं कह रहे सी कि तुहाडे हलके जिहड़े मुंडे डुब्बे आ हाँ जी ट्रैवल एजेंट दे नाल भी संबंध रहे हाँ हाँ जी सुखपाल सिंह खैरे दा वेद प्रकाश सबका प्रधान है वो ट्रैवल एजेंट ही करता एक डॉक्टर सुरिंदर है वो यदा खासो खास है वो ट्रैवल एजेंट ही करता एक खसण का रंजीत सिंह राणा खसण वो भी ट्रैवल एजेंट ही करता उन्होंने तो वो वाइफ से तो परचा हो गया पर इन्हों फिर हजे पुलिस हाथ नहीं पा रही ये ट्रैवल एजेंट जिन्हें भी है। अच्छा एक तुसीं कह रहे थे कि जिहड़ा इन्हां दे समर्थकां दे वल्लों जिहड़े साथी है जिहड़े नशे दे तस्कर है सारे हाँ जी ते तुसीं मानयोग हाई कोर्ट दे विच जां इलैक्शन कमीशन तक पहुँच करोगे कि इलैक्शनां दे विच नशे दा सारा इस्तेमाल होया। हाँ जी मैं ज्यों ज्यों मेरी ही बदौलत मेरी मेहनत करके ही सुखपाल सिंह खैरा कानून दे सकंजे च आया इहदे कोई खिलाफ कोई किसी की जरूरत नहीं 10 साल बीबी जगीर कौर का मूँह नहीं खुला राज सी इहनूं कोई एडी गल नहीं सी खोल सकदी मूँह इहदे बंदे भी सी लखण के पड्डे कई इहदे मोहतबर बंदे जिहड़ी गवाही दे सकदे कि इह वेचदा हुण भी मैं गवाही दवाई अपने बंदियां दे कोल जिहड़े जिहड़े मेरे बंदे आ कि इस बंदे ने ठगी मारी है समैक वेची है एजेंटी कीती है को माफ़ी कीती है इन्हें जिहड़ी जमीन जिहड़ी आउणी ही सीलिंग च उस च ठगी मारी है इन्हें एक धर्मशाला के ना ते भी ठगी मारी है धर्मशाला की जमीन 26 किले वह भी इन्हें हड़प्पी हुई है। हुण माड़ा जिहा मेरे तो डरदिया इन्हें गुरद्वारे पैसे लाउण लगा ट्रस्ट च कभी इन्हें पैसा नहीं लाया कभी ठेका जमा नहीं कराया कभी बैंक च पैसे नहीं जमा कराए यो 26 किले का भी 22 किले का भी सारी जमीन का ये ठेका खाई जाता है। पहली गल तो जदों सीलिंग लगी है
ਇਹਦੀ 17 ਕਿੱਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ 17 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 17 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪਰੂਫ ਆਏ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਹਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਏਗਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਦੇਬੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਡਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ